और अगर तुम्हारे अंदर में अंश प्रवृत्ति होगी, अंश की चोंच में कुदरत की खटाई लगी हुई है, जैसे वो जीव सागर में चोंच डालता है, दूर फट जाता है, पानी अलग हो जाता है, जीव पनीर अलग हो जाता है, वो खा लेता है। अब यहाँ पर परामर्श बोलते हैं संतों को, संतों की वाणी में वैराग्य रूपी खटाई होती है। अब वो तुम्हें भी बता देते, समझा देते, अब तुम्हारे अंदर समझ जागृत हो जाती है ज्ञान से, जो मेरे हित में होता है। अब तुम्हारा मन उसको पकड़ने की कोशिश करता है, तो सारे समय शांति को चाहते हो या अशांति को चाहते हो। तुलसी माता कहते थे, मेरे पास शांति लेने नहीं आना, अशांति का कारण बताने आना। कौन कौन सी बातें तुमको अशांत कर रही? दृष्टि तुम्हारी खराब है, अगले व्यक्ति ने 500 अवगुण है तेरा की। सेठ जी के पास नौकर आया दौड़ता हुआ, सेठ जी आग लग गई। बोला मेरा की? आपकी दुकान में आग लगी। बोला वो तेरा की। जल्दी करिए, जल्दी चलिए, आपको परेशानी नहीं हो रही? बोला देख मेरे माथे पे एक भी सिलवट है, मेरे कपड़े को देख, जैसे मेरे कपड़े पर एक भी सिलवट नहीं है, ऐसे मेरे माथे पर भी एक भी सिलवट नहीं। जिस परमात्मा ने आग लगाई है वो परमात्मा बुझा भी देगा। अभी तक नहीं लगी, अब लगी तो क्या हो गया? ये हुक्म है भगवान, उसी भगवान ने आग लगाई है, वही भगवान अपने आप समय पाकर बुझा देगा। जितनी जल्दी होगी उतनी जलेगी, जितनी बचनी होगी उतनी बचेगी। ये समझ अगर तुम्हारी जिंदगी में आ जाए तो उनको कोई दुखी कर सकता है? यही सुनो मन में रखो। बोला सुनिए मनिए मन रखिए भाव, सुख पर हर सुख घर ले जाओ। पहले सुनो ध्यान से, मन में भाव रखो, फिर रिजल्ट क्या होगा? सुख पर हर सुख द्वैत में है। मैं द्वैत में रहना पसंद नहीं करता, मैं स्वयं में रहना पसंद करता हूँ, क्योंकि स्वयं में सुख है, दूसरे में दुख। दुख ही दुख है सुख देने में, सुख ही सुख है सुख देने में। तो सबके जीवन में आप खुशियाँ भेंट करो, देना है तो सुख दो, देना है तो ज्ञान दो, देना है तो दुआ दो, और लेना है तो दर्द लो, दुख लो। सच्चे संत क्या करते हैं? तुम्हारा दुख दर्द ले देते हैं। जो तुमने सोच रखा है, शरीर की बीमारी का इलाज करने वाले बैठे हैं, मन का इलाज तुम्हारा सत्संग होता है। यू आर 98% मेंटल हिल, 2% केवल तुम सब फिजिकली बीमार हो शरीर से। और जब हमारा मेंटल खुश हो जाता है, हमारा दिमाग व्यर्थ की बातों में नहीं जाता, अविश्वास में नहीं जाता, शक में नहीं जाता, संशय में नहीं जाता, शिकायत में नहीं जाता, केवल शुक्राने ही शुक्राने रहते हैं। हम अपनी हीलिंग अपने आप कर लेते हैं। शुक्राना मेरे सतगुरु जीवन बना दिया, तेरे मिलन ने उसको जीना सिखा दिया। तो शुक्राने में तुम चार पांच देवताओं को खुश कर सकते हो, शिव उमा शुक्र कृष्ण और क्राइस्ट और राम ना से नानक और नारद, इतने सारे तुम देवी देवताओं ऋषियों मुनियों को शुक्राना कह के प्रसन्न कर सकते, अपनी भक्ति को पूर्णता दे सकते। और शिकायत माना शक, शक रखते हो
शक्ति राजा ने अपना राजपाट सिंहासन परिवार सब कुछ बर्बाद कर दिया। कई लोगों का नेचर होगा शक्कर में, ऐसा स्नेक यही होगा, किसने ऐसा किया होगा। गुरु जी कहते थे तुम्हारा शक और संशय रखने का स्वभाव तुम्हारे घर घर को नरक तो बना सकता है, स्वर्ग नहीं बना सकता। अच्छा समझो, अगर किसी में कोई अवगुण है भी, तो प्यार करो, भगवान का भाव रखो, धीरे 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 समय पाकर उसके जीवन में भी परिवर्तन आ जाएगा। तो आज हम अपने जीवन को मंदिर बना लेते, मन का मंदिर साफ तेरा जिस समय हो जाएगा, देर कुछ भी ना लगेगी, कष्ट सब कट जाएगा। अब हमारा मन मछली नहीं मारता है, अब हमारा मन मोती चुनता है, चुन लो गुणों के मोती बिखरे जा कहीं पर। अब श्वान निद्रा, अब आलस्य में सारे समय आलसी बनकर पड़े नहीं रहते। लेकिन ये भी बड़ी हैरानी की बात है, किसी को बिस्तर से उठना नहीं अच्छा लगता, किसी को बिस्तर से सोना नहीं अच्छा लगता। लेकिन सत्संग में आने के बाद तुम्हारा बैलेंसिंग मूड माइंड बन जाता है। शरीर अगर आराम मांगे उसको आराम दे, उसको रिश्वत दे के चलाते रहो, उसको दवाइयां दे के उसको चलाते रहो, क्योंकि अगर तुम्हारा शरीर ठीक है, अगर तुम्हारा मंदिर ठीक है, तभी तो मूर्ति की स्थापना करके तुम पूजा पाठ कर पाओगे। सत्संग में आके शरीर भी सबका ठीक हो जाता, मन भी सबका ठीक हो जाता। शैतानी करता है मन, प्रभाव पड़ता है तन के ऊपर। रात भर गलत बातें सोचता है मन, नींद नहीं आने देता। क्यों कर क्या सकते हो, होनी को वो कर रहे अनोनी ना हो, जाको रात पे साइयां मार सके ना तो, ये लाइन क्यों नहीं अंदर में याद रखते। श्वान निद्रा, अपने किसी भी प्रकार की नींद मत रखो, ना ज्ञान की नींद रखो, ना शरीर की नींद रखो। अज्ञान में भी ज्ञान सुनते हैं, लेकिन यहाँ भी लापरवाही आ जाती है। तो कुत्ते को श्वान माना कुत्ता जरा सी आहट पाता है, उठ के बैठ जाता, भौंकने लगता है। तुम्हारा मन भी देखो, सही भौंक रहा है या गलत। अगर गलत बात बोल रहा है तो उसी समय चुप कराओ, विचार करो मेरे मन में ये विचार आया तो क्यों आया, उसी समय अपने मन को चेंज करो। फिर अल्प आहारी, ना संग्रह करो ना समेटो। बोला कुछ लोग बांट कर खाते हैं, कुछ लोग बटोर कर खाते हैं, कुछ लोग लूट कर खाते हैं। ऐसी मानसिकता नहीं होनी चाहिए, बांट कर खाओ। संत क्या करते हैं, सबको बांट कर खाते हैं। अभी घर में खाना बनाते हो, खुद खाते हो, लेकिन अगर मंदिर में भोग लगाते हो तो सबको बांटते हो ना। एक अमरूद देवता के चरणों में चढ़कर प्रसाद बन जाता है, इतना सा भी कण सबको खिलाते हो नहीं खिलाते हो। तो ये गुरु का ज्ञान भी, नारद जी ने बोला, गुरु जी ने बोला, जाओ मेरी वाणी का प्रसाद सबको बांट कर खाओ। गीता में भगवान ने बोला जो बांट कर नहीं खाता वो चोर है। ज्ञान भी गुरु का प्रसाद समझकर दो। आज डाकिया पोस्टमैन तुम्हारे भाई का पार्सल लेकर आता है तुम्हारे घर, लेकिन क्या वो तुम्हारा भाई बन के तुम्हारे घर में बैठ जाता है। पार्सल दिया, तुमने मिठाई पानी पिलाया, दूर से आ रहा, उत्कारो नहीं, चिल्लाओ नहीं उसके ऊपर, तुम तो आराम फरमा रहे हो। वो बेचारा धक्के खा खा के एड्रेस पूछ पूछ के आ रहा। ये मनुष्यता रखो, जो भी आए पानी के लिए पूछो, पिलाओ पानी, पता नहीं किस परिस्थिति से आ रहा वो बेचारा। गुरु जी ने बहुत बातें सिखाई,
जीने की कला सिखाई थी। घर में भी कहते रहते हो, मर्द घर में आते औरतों का नाटक शुरू हो जाता है, कान चुनने लगती सारे, चावल चुनो कान नहीं चुनो। सुबह से लेके शाम तक क्या हुआ, कहीं के लिए इतनी बकवास करते। यहीं पर दिल्ली में हमारी अम्मा आई थी, इतना बड़ा उन्होंने सत्संग बना लिया। अपने का तुम तो बड़ी हीरोइन निकली अम्मा, इतना बड़ा तुमने सत्संग कैसे बना लिया। कहती बेटा मैं कुछ नहीं करती थी, उसको कुछ नहीं आता था, उनके बेटे ने बर्तन की फैक्ट्री डाली। बोला बेटा मैं दिन के समय सबको बुलाती थी, बहुओं को कहती थी बेटा ये बच्चे जो है ना ये भगवान के रूप है, शाम को इतनी मेहनत करके आता, उसको खिलाओ खिलाओ, जितनी जरूरी बातें उसको बताओ, सारी बातें उसको नहीं बताओ तो दिमाग नहीं खराब करो, तुम हजम करो। मछली के बड़े बड़े कांटे निकाल कर फेंक दिए जाते, छोटे छोटे चबा के निकल जाते। फिर जब लड़के जेंट्स आते थे शाम के समय अम्मा के पास, कहते थे बेटा उसको कुछ कहा मत क्या करो, ऊंची नीची कोई बात हो जाए ना, नमक तेज या कम हो जाए या कुछ ऊंच नीच हो, उसको कहा मत क्या करो, पैर के तरीके से काम करती है तुम्हारी। और इतना प्यार उन्होंने परिवार में दे दिया, इतना प्यार आज दिन तक सब उनको याद करते। तो दुनिया में क्या हमारे प्यार और याद, तो ये सत्संग हम सब लोगों को जीने की कला सिखाता। जैसे जैसे तुम अपनी जिंदगी से द्वेष हटा देते हो, देवता जैसी जिंदगी जीते हो, आज कितने सम्मान के पात्र हो गए हो। आपको बच्चे आपसे कहते मम्मी दो मिनट मोबाइल बंद करो, मुझसे थोड़ा बात तो करो, और आप लोग भी इतने हीरोइन और हीरो हो गए हो, सारे दिन आप सबके बिल्कुल फुल वॉल्यूम में आपका सत्संग सुबह 7 बजे से ही लग जाता है। और कहते हैं हम कुछ कह रहे हो तो घर ही में रह रहे, जा भी नहीं रहे, फिर कोई गलत बात सुन रहे हो क्या, कान में रुई डाल के सो जाओ। तो ये इतनी आपको ही सो पाएगा ये बताओ, तो कोई बात नहीं, बड़े लोगों का यही आशीर्वाद है। जितना तुम भगवान से जुड़ो तुम्हारी अपनी जिंदगी बहुत सुखों से भर जाएगी। आज सच में अपने माता पिता गुरु सभी का शुक्राना है। वो कौन सी पावन घड़ी थी जिस घड़ी हम सब लोग सत्संग में आए, क्योंकि बहुत जगह जाना होता है, ऐसा नहीं कि केवल सत्संग में ही रमे रहते हैं, ये प्रारब्ध बहुत जगह लेकर जाती है, लेकिन सब जगह जाकर एक ही अनुभव होता है, प्रभु ना मिलते तुम अगर सतगुरु, ना जाने हम कहाँ होते, हमें बेआसरा पाकर सताने गम चले आते। इतनी शिकायत लोगों के पास, इतनी शिकायत है, तुम कर क्या रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। पिता ने गाय दी, बेटा इसकी परवरिश करो दोनों जने मिलकर। अब गाय से दूध तो निकाला गया, गाय को घास खिलाना भूल गए, रिजल्ट क्या होगा सबको पता है। हर एक व्यक्ति को कर्तव्य नहीं याद है, अधिकार याद है। मेरा ये अधिकार है, जब माइयाँ कमर पे हाथ रख के कहती ना इतना हिस्सा मेरा इतना तेरा, हम कहते मजदूर को भी चाय पिलाने आई थी तुम, मैं कह चाय के लिए टपकती हो बीच में, प्रॉपर्टी में काय टपकती, तेरा की तुम्हारा किचन का काम है, चलो जरूरत नहीं हर जगह तुम कूदो। तो इसके लिए अरे ये सारी बातें सत्संग में तुम्हारी मदद करती हैं, तुम्हारे आचरण को देखकर, तुम्हारे व्यवहार को देखकर, तुम्हारे निरिच्छापने को देखकर, तुम्हारी संतुष्टि को देखकर हर बंदा तुमसे इम्प्रेस होता है, ये याद रखो। कोई ये ना कहे इतनी जोड़ी चप्पल घिसा दी इनका मन ना घिसा, लेकिन कोई ये कहे इनके अंदर में बहुत सुधार है, ये बहुत सुधर गई हैं, हम भी जाएं। तो ये जितना अच्छा हमारा सत्संग है उतने अच्छे हम भी हो जाएं। मता पान के लजाई, मता गुरु के लजाई, गाल ते योखी मता चर्चो भाई, मता लाउती लजाई। मतलब लाउती फकीरों का ये ज्ञान है
तपस्वी कर्मठ ब्रह्मज्ञानी गुरुओं का ये ज्ञान है, ये याद रखो। जो हम लोगों की झोली में ये ब्रह्म ज्ञान आया है, ये ऐसा वैसा नहीं समझना, ये बहुत कीमती है। बहुत उच्च कोटि का ज्ञान हम सब लोगों को सरल और सहज भाषा में मिला है। तो ये ज्यों का त्यों जब हम उठाते हैं, अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं, तभी तुम एक नए युग का निर्माण कर सकते हो। आज सबकी जिंदगी में जब देखते हैं पूरा परिवार सत्संग में आकर बैठता है, खुश होता है, क्योंकि एक अकेला कोई काम नहीं कर सकता। याद करो, ये टीम वर्क है। सत्संग होना, सत्संग कराना, सत्संग करना, ये सबके सहयोग से होता है, याद रखो। तो ये भगवान की कृपा है जो सबके अंदर में गुरु के प्रति श्रद्धा है, अपने पेरेंट्स के प्रति आदर का भाव है, यही तुम्हारे लिए स्वर्ग है। एक बहुत बड़े उद्योगपति ने एक बहुत अच्छी बात बोली, बोला हम लोग कुछ जानते हैं या नहीं जानते हैं, इतना जरूर जानते हैं हमारे घर में एक रिवाज है। हमने कहा क्या रिवाज है? कहते हम अपने घर के बुजुर्गों को एक जगह इकट्ठा करके एक प्याला चाय उनके साथ पी लेते हैं, 24 घंटे की छुट्टी। पूछ लेते हैं आपको कोई दवा दारू, कोई डॉक्टर, कोई लेना देना तो नहीं है किसी को, पैसे कौड़ी कपड़े की जरूरत तो नहीं है? कहते वो बेचारे हमी को दे देते हैं, लेकिन हम आपको सच बताए, अपनी वाइफ के लिए बोला ये सत्संग जाती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं भी इसको देखकर मेरे घर में जितना सुख है शायद और सुख कहीं पर भी नहीं है। तो क्या हम अपने घर को मंदिर नहीं बना सकते हैं? क्या हम अपने जीवन को सच्चे सुख से नवाज नहीं सकते? क्या हम, ये गुरु ने हमको सिखाया, और कुछ बनो ना बनो, आके जहान में इंसान बनो लाजवाब, सत्संग में आइए, अकड़ के तो ना चलो, झुक ना जाइए कमर, अरे 2 दिन का है ये शबाब, नफरतों की गंदगी से ये जमाना है भरा, महकाओ प्यार के गुलाब, ये ज्ञान का आफताब। तो बहुत अच्छा जीवन, सच्चा जीवन, सफल जीवन, सार्थक जीवन, उपयोगी जीवन, ये गुरु की कृपा से हमको मिलता है। बहुत पुराना गुरु जी का वीडियो देख रहे थे, एक दृष्टांत याद आ गया। बोला एक पादरी ने सबको बोला मेरे बर्थडे पर सब उपहार लेकर आना। सब उपहार लेकर आए, पादरी ने किसी का भी गिफ्ट हाथ में उठाया नहीं। एक गिफ्ट था, केवल वो रैपर में लिपटा हुआ था, कोई नेम स्लिप नहीं लगी हुई थी। अब पुजारी ने, पादरी ने उसको उठा लिया, लोगों के मन में बड़ा भेद आया, अरे इतने महंगे महंगे हम सब गिफ्ट लाए हैं, अब गुरु तुमसे मंगाए, तुम तो हैसियत से ज्यादा खरीद के लाओगे। पादरी ने बहुत अच्छी बात बोली, बोला मैंने सब उपहारों के ऊपर, गिफ्ट के ऊपर नजर घुमाई, सब पे नेम स्लिप लगी हुई थी सो एंड सो, लेकिन मैंने इसको इसलिए उठाया, इसमें कोई नाम रूप का जिक्र नहीं था, जहां पर मैं की हार है वही सच्चा उपहार है। तो ये आज गुरु जी के ज्ञान से समझ में आता है, गुरु को क्या दे सकते हैं? कुछ भी नहीं दे सकते। बोला आप हो जाए मेरा बस, ये मेरा सत्कार है। हम क्या दे सकते हैं? केवल अपनी मैं को माइनस करके केवल अपनी श्रद्धा और भक्ति दे सकते हैं। श्रद्धा भक्ति की भेंट चढ़े सतगुरु चरणों में रखते हैं, वही वर्ष भव से पार उतरते हैं, सुख शांति उन्हीं को मिलती है। हमारी मैं की भावना हमें परेशानी देती है, इसलिए जो भी तुम्हारे शरीर से कार्य हो
हर वक्त भगवान की कृपा जानना, क्योंकि जो तुम्हें समस्त सुख दे सकता है वो तुमसे ले भी सकता है। हर वक्त नीचा सर जो काम निकाले वो ना निकले मान से, प्रभु तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है। गुरु जी ने हम सबके ऊपर कृपा करके अपना बनाकर सर्व का बना दिया। हमारा धर्म है घट घट में भगवान का दर्शन करना, गुरु सत्ता को प्रकट जानना। कोई जगह न तुझसे खाली है प्रभु, तू व्यापक डाली डाली है। तो सबके बहुत शुक्राने हैं, बहुत तहे दिल से नाभि से प्यार है और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा।